हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथासु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर इंडिया से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट टॉपिक होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है, स्पेशल तौर पे हम लोग बात करने वाले हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। ठीक, यह क्या होता है? केरल सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। ठीक, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पूरा मामला क्या था, विस्तृत तौर पर समझेंगे। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चीजें क्लियर करते हैं। देखिए, जो मुद्दा है प्रेजेंट टाइम में, अगर हम लोग बात करें तो केरल में किस पार्टी की सरकार चल रही है, तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी। कौन सी? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की सरकार चल रही है, जिसे LDF भी हम लोग बोलते हैं। देखिए, साल 2015 की बात है। एक एक पॉइंट सही तरीके से सुनिएगा, चीजें क्लियर होगी और यहां से प्रश्न बनना एकदम श्योर है। क्यों? क्योंकि यह एक लेटेस्ट मुद्दा है और जुड़ा हुआ है साल 2015 से। जो LDF पार्टी है, साल 2015 में यह अपोजिशन में थी, इसके गवर्नमेंट केरल सरकार केरल में नहीं थी। तो प्रेजेंट टाइम में केरल राज्य में इसकी सरकार है और जब यह अपोजिशन में थी तो इसके कुछ नेता थे, कुछ विधायक लोग थे, वो लोग कहां पर? केरल की विधानसभा में कुछ तोड़फोड़ कर दिए थे, माइक वगैरह तोड़ दिए थे। ठीक, तो प्रेजेंट टाइम में उन पर केस चल रही थी। तो वहां की जो सरकार है, प्रेजेंट टाइम में जिस पार्टी के वो लोग मेंबर थे उसकी सरकार बन चुकी है केरल में, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि हमारे जो भी गणमान्य नेता हैं उनमें से कुछ लोग प्रेजेंट टाइम में मंत्री भी हैं केरल विधानसभा में। ठीक, तो उन लोगों को उनके केस से पूरी तरह से बरी कर दिया जाए और उसके लिए इन्होंने हवाला किसका दिया? संसदीय विशेषाधिकार का। अब समझेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार है। आप लोगों ने यह समझा कि कहां का मुद्दा है, क्यों यहां उठाया गया और उन लोगों ने किया क्या था। उन्होंने क्या किया कि जो केरल की विधानसभा थी वहां के माइक वगैरह उन्होंने तोड़ दिया था, उपद्रव किया था, तो उन पर केस चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो MPs होते हैं, जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, जिसे विधानसभा के मेंबर जो विधायक होते हैं, लोकसभा सॉरी संसद के मेंबर जो सांसद होते हैं, संसद के, ठीक, इन लोगों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि अगर यह कहां पर है, अगर ये सदन में है और ये बहस के दौरान कुछ भी करते हैं तो इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और इन्होंने बहस के समय ये चीजें तोड़ी थी, तो इस वजह से केरल सरकार ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट से कि महोदय, हमारे सभी राजनेताओं को पूरी तरह से बरी किया जाए क्योंकि इन्होंने सदन में इस तरह की कार्यवाही की थी। तो अब समझने वाला पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज क्यों किया। आप सबको पता है, इंडिया में जो हमारी न्यायपालिका है वह कार्यपालिका से पूरी तरह से अलग रखी गई है कि एक दूसरे पर किसी का प्रेशर नहीं होगा। कार्यपालिका के तहत क्या आता है? कार्यपालिका में आपका आता है संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सब आते हैं। ठीक, और जो न्यायपालिका है उसमें आपके न्यायालय आते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, स्टेट के हाई कोर्ट, साथ ही साथ लोअर कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो इन दोनों में, अब देखिए बात कहां की हो रही है, जुडिशरी की हो रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यपालिका। लेकिन न्यायपालिका इसमें इंटरफेयर क्यों कर रही है? इन्होंने जब यह याचिका दायर की तो वहां पर दो जज थे, उनका नाम क्या है ध्यान से सुनेंगे, DY चंद्रचूड़ और शाह नाम के दो जज थे। इन दोनों लोगों ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया केरल सरकार की, कि इन्होंने कहा कि हमारे राजनेताओं को बरी करिए। लेकिन इन जज महोदय ने क्या किया कि पूरी तरह से खारिज कर दिया और इन्होंने हवाला किस चीज का दिया, इन्होंने यह बात कही कि लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत अगर आप किसी भी सरकारी संपत्ति को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप पर कार्यवाही की जा सकती है। अब बात आती है कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। पहले तो आपने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इस अधिनियम के तहत इन लोगों को क्या होगा, सजा भी हो सकती है।
तो इसमें जो प्रावधान संसदीय विशेषाधिकार का दिया गया है नेताओं को, जैसे कि जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, उन्हें किस चीज के लिए दिया गया है कि अगर वे किसी कानून का निर्माण कर रहे हैं, कोई एक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी हमेशा सॉरी एक्ट हमेशा जुडिशरी से बनता है, कहां से, कार्यपालिका से बनता है, जो मंत्री महोदय होते हैं वो बनाते हैं। तो अगर वो कोई कानून का निर्माण कर रहे हैं और उन पर किसी तरह का प्रेशर आ रहा है, तब वो अपने संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वे कोई तोड़फोड़ करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, कंट्री के अगेंस्ट बोलते हैं, तो इनमें उन पर क्या किया जाएगा कि उन पर केस दर्ज किया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक। तो इन पर केस दर्ज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से याचिका को खारिज कर दिया है, और जहां तक उम्मीद है कि इन लोगों को सजा भी होगी, ठीक। अब इसी को हम लोग डीपली समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि देखिए भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 105 और 194। अनुच्छेद 105 कहता है कि कोई भी विधायक विधानसभा में कुछ भी बोल सकता है बहस के समय, ऐसी बातें भी वह बोल सकता है कि अगर वह सदन के बाहर बात करे तो उसे जेल हो सकती है, मतलब कि क्राइम की बात है। और लेकिन अगर वह कहां सदन में बोल रहा है, विधानसभा में बोल रहा है, तो उसे पूरा अधिकार है क्योंकि वह बहस के समय बोल रहा है, ठीक। इसी तरह से आर्टिकल 194 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी आर्टिकल 105 सांसदों को देता है, मतलब जो एमएलएज हैं, सॉरी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, जो संसद में बैठते हैं, उन्हें अनुच्छेद 105 ही अधिकार देता है, और विधायकों को अनुच्छेद 194 अधिकार देता है, ठीक, कि वो अगर सदन में है तो बहस के समय वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर संविधान ने इन्हें यह अधिकार दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये सर्वे सर्वा हो गए, इनके ऊपर भी जुडिशरी है। वो कैसे, समझेंगे, कई सारे आर्टिकल हैं, आईपीसी की कई धाराएं हैं, उन सब के माध्यम से इन लोगों को सजा हो सकती है। यही सारा टॉपिक हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। चलिए अब बोर्ड पे आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, शुरू करेंगे। केरल सरकार ने अपने विधायकों के केस को माफ करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और इसमें हवाला दिया संसदीय विशेष अधिकार का, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। सरकार किसकी है वहां पर, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की पार्टी है, जिसे एलडीएफ बोलते हैं, इसके राजनेताओं ने उपद्रव किया था, हम लोगों ने जाना, आगे भी समझेंगे। देखिए क्या हुआ था, जिनके ऊपर केस हुआ है वो विधायक कौन कौन से हैं, के सिवान कुट्टी, ईपी जयराजन, केटी जलील, तीन विधायक हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है। इन्होंने साल 2015 में उपद्रव किया था, क्या किया था, साल 2015 में जब यह अपोजिशन में थे, इनकी सरकार नहीं थी, तो इन्होंने विधानसभा के माइक तोड़ दिए थे, सदन के माइक इन लोगों ने तोड़ दिए थे, उखाड़ के फेंक दिए थे, मशीनों को तोड़ दिया था, इस वजह से इन पर केस हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जिस पीठ ने इसकी सुनवाई की उसमें दो जज थे, कौन कौन से, डीवाई चंद्रचूड़ और शाह, जस्टिस शाह और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इन दो जजों की सीट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया, और हवाला किस चीज का दिया, मतलब बेस क्या बताया कि अगर भले आप एक राजनेता हैं, आप मंत्री हैं, लेकिन आप कानून के दायरे में हैं, आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिस अर्थ पर रह रहे हैं, जिस भूधरा पर रह रहे हैं, ये जजों ने बोला है कि वहां का भी कुछ रूल और रेगुलेशन है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग एमपी और एमएलए बन गए तो आप सर्वे सर्वा हो गए, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आने लगी, अलाउद्दीन खिलजी वाली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अगर आप मेंबर बने हैं, चाहे पार्लियामेंट के चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक, फिर भी आपके ऊपर कानून है और वो लागू होगा। उसके लिए 1984 में क्या लाया गया था, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, इसके तहत इन लोगों को सजा सुनाई जाएगी। अब हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, संसदीय विशेष अधिकार। तो कानून बनाते समय अगर मंत्री पर कोई दबाव है तो उसे दूर करने के लिए संसदीय विशेष अधिकार दिया गया, सिंपल वर्ड्स में समझे तो कानून बनाते समय मंत्री पर कोई दबाव ना रहे, कोई प्रेशर ना रहे, इसलिए संसदीय विशेष अधिकार का उन्हें समर्थन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से उन पर प्रेशर उन पर ना बना पाए कि अगर तुम ये एक्ट लाए तो मैं ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए लाया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसका दुरुपयोग करिए। चलिए अब बात आती है कि जो सांसद है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो विधायक है, एमएलएज है, जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत।
देखिए आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, आप लोग एक तरह से जुडिशरी से जुड़ने वाले हैं, ठीक। तो इस वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत बारीकी से समझनी चाहिए। और समझ देखिए, मेरे बताने का पर्पज ये होता है कि आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझिए, बट अपने रियल लाइफ में भी इसे फॉलो करिए और समझने का प्रयास करिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या क्या प्रावधान किस बेस पे किस एरिया में किए गए हैं, ठीक। तो क्या है कि अनुच्छेद 105 सांसदों को संसद भवन में बोलने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 194 विधायकों को देता है, कहां पर, उस राज्य की विधानसभा में बहस के समय कुछ भी बोलने का अधिकार। ऐसा भी नहीं है कि देश के अगेंस्ट बोले, अगर वो बोल रहे हैं उस समय उन पर कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन बाद में कार्यवाही की जा सकती है। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में है तो उसके लिए क्या है, रूल नंबर 222 का चैप्टर 20, रूल 222 का चैप्टर 20 यह कहता है कि लोकसभा का अगर कोई मेंबर है तो वह लोकसभा अर्थात उसी सदन में बहस के समय कोई भी चीज अपने हिसाब से रख सकता है। जैसे कि सांसद रख सकते हैं 105 के तहत, विधायक रख सकते हैं 194 के तहत। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में रूल नंबर 127 चैप्टर नंबर 16 के तहत, यह सब कहां की बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित तौर पर दी गई हैं, ठीक। तो रूल नंबर 127 चैप्टर नंबर 16 के तहत राज्यसभा में भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो इन्हें अधिकार दिया गया, साथ ही साथ सजा का प्रावधान क्या है। देखिए मैं वीडियो के लास्ट में साइड होता हूं, आप लोग तभी स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, कमेंट्स आते हैं कि सर आप साइड नहीं होते। मैं जो वीडियो एंड करता हूं तो मैं यहां से हटता हूं, कम से कम 5 सेकंड के लिए वीडियो में सामने में नहीं रहता, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। सजा का प्रावधान अब क्या क्या है, मतलब इतने तो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें प्रदान किए कि आप ये कर सकते हैं इस धारा के तहत या फिर इस रूल के तहत। अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में जो सजा दी जाती है वो किसके तहत दी जाती है, आईपीसी की धारा के तहत। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पैनल कोड, हिंदी में अगर बोले तो भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की धारा 425 यह कहती है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए अपने बहस के दौरान भी गलत वर्ड बोलता है तो उस पर आईपीसी की धारा 425 लगाकर उसे अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद इंडियन पैनल कोड अर्थात आईपीसी की धारा 427 यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए से अधिक कीमत की कोई संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विधायक या फिर सांसद, अगर 50 रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे भी आईपीसी की धारा 427 के तहत अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सदन में, व्यक्ति का आशय किससे लगाएंगे आप लोग, एमपी और एमएलए से, ठीक, संसद सांसद और विधायक से, अगर कोई आपराधिक गतिविधि करते हैं, क्राइम करते हैं, कहां पर, सदन में, तो आईपीसी की धारा 447 के तहत उन्हें अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। तो यह था सारा का सारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से पुराने वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। रीजन यह है कि पुराने वीडियोस भी आप लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं तो खुशी मिलती है कि आप लोग पुराने वीडियोस देखकर भी अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी पीडीएफ के फॉर्म में मैं लेके आऊं और आप लोगों को हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाऊं। तो चलिए आज के बाद, सॉरी, इस वीडियो के बाद हम लोग, देखिए एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं अभी कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे जो मैं टॉपिक मॉर्निंग में लेके आता हूं इसे जरूर आप लोग नोट्स के तौर पर लिखा करिए और जीएस के पेपर के पॉइंट बाय पॉइंट लिखा करिए। इससे क्या होगा कि आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो चीजें अलग अलग मिल जाएंगी और एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग संडे के दिन रात में 9 बजे लाइव सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।